अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं शेख आसिफ आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आज तो वीडियो बनाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने मेडिसिन लिया है, अब कुछ हद तक बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, गर्म हवा चल रहा है, फिर भी मैं वीडियो बनाने की हिम्मत किया हूँ। तबीयत मेरी ख़राब, तो चलिए ऊपर चलते हैं। मैं आपको आज लॉफ्ट दिखाता हूँ, कुछ चेंजिंग किया हूँ मैं लॉफ्ट में। चलिए मैं आपको लॉफ्ट दिखाता हूँ, आप बताइए कैसा लगा आपको। लॉफ्ट में काफ़ी चेंजिंग है, कबूतर कुछ नए आए हैं, काफ़ी सारा कुछ नया है लॉफ्ट में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लॉफ्ट को, आप बताइए आपको कैसा लगा लॉफ्ट। तो ऊपर मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी हवा चल रहा है। ये केला का पेड़ है, देख सकते हैं गर्मी से कितना सूख गया है, और ये हवा से पूरा निकल गया है। जो मैंने लगाया था ताकि अंदर गर्मी ना लगे कबूतरों को, ये भी निकल गया, इसको भी आज मैं सेट करूँगा। चेयर भी गिर गई है हवा से पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर गया है, ये टंकी है मेरा, शायद ओवरफ्लो हो रहा होगा पानी, इस वजह से यहाँ पर पूरा पानी वगैरह आ गया है। तो चलिए जल्दी से मैं अपने कबूतरों को दिखाता हूँ आपको, आप इसका शौक कीजिए, लॉफ्ट का शौक कीजिए। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज, दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है। हवा तो चल रहा है लेकिन काफ़ी गर्म हवा चल रहा है। कबूतरों को आई थिंक अभी मैं थोड़ी देर से बाहर निकालूंगा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कबूतरों, कुछ कबूतर नए लाए हैं और कुछ चेंजिंग मैं किया हूँ लॉफ्ट वगैरह को लेके, उनके बैठने का ठिकाना बनाया हूँ, बहुत सारी चीज़ें किया हूँ, तो मैं आपको वो सब आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लॉफ्ट है, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ लॉफ्ट को, मैंने खोल दिया है और मैं अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। मैं काफ़ी आज वीक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं जो फीवर है मैंने मेडिसिन लिया हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारी चेंजिंग किया हूँ मैं लॉफ्ट में। तो दोस्तों चलिए जल्दी 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 दिखा दिए, वीडियो में बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको बहुत काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ पूरा लॉफ्ट का शौक कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा लॉफ्ट का पूरा हर चीज़ लगाया था, यहाँ पे डब्बे वगैरह रखा था, इस पर कबूतर रहते थे, मैंने हटा के यहाँ पे से, क्योंकि यहाँ पे से ऊपर पानी अभी भी आता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से पानी अभी तक आता है, कभी कभार आ जाता है। मैंने खैर ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया, अब तो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, यहाँ से लॉफ्ट को पूरे चेंजिंग करके मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा शिफ्ट कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे कबूतर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी तरीके से, मैंने यहाँ पे पूरा चेंजिंग कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया ताकि ये ऊपर अच्छी तरीके से जा सकें, क्योंकि कुछ कबूतरों के मैंने पंख बांध दिए हैं, वो नए हैं, क्योंकि उड़ जाएंगे वो, इस वजह से मैंने बांध दिए हैं। आप देख सकते हैं ये भी लॉफ्ट पूरे खाली हैं, इसमें कबूतर वगैरह रहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कबूतरी ने मेरे अंडे दिए थे उसमें से बच्चा निकल आया है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया वो बच्चा। तो अब दिखाता हूँ मैं, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ है, काफ़ी एग्रेसिव बच्चा है ये, आई थिंक देख सकते हैं आप, ये मार रहा मुझे, काफ़ी एग्रेसिव बड़ा हो गया, ये ब्लैक में निकला हुआ है, शायद काले कलर में निकला है, इसकी माँ जो है वो वाइट में है, और इसके जो मेल है वो ब्लैक में था, आई थिंक वो उसी पे गया हुआ है ये, इसलिए ये ब्लैक आया है। तो दोस्तों यही सब मैंने चेंजिंग किया, आप देख सकते हैं ये रॉड मैंने लगाया है, इस पर कबूतर बैठते हैं, और मैंने यहाँ पे ये शीट वगैरह भी लगाया है, एक लकड़ी का शेड टाइप में शीट लगा दिया है, यहाँ पे भी कबूतर बैठते हैं आराम से। और इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी सही है, बाहर तो काफ़ी गर्मी है लेकिन इसके अंदर टेम्परेचर सही है दोस्तों, इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लॉफ्ट थोड़ा प्रिपेयर किया हूँ मैं। थोड़ा बहुत नीचे गंदगी है, इसको मैं कल पूरी तरीके से साफ़ कर दूंगा, मैंने एक लेबर अरेंज किया है, उसे मैं पूरी तरीके से साफ़ और क्लीन कराऊंगा, ताकि कबूतर को कोई बीमारी वगैरह ना हो।
तो मैंने यही चेंजिंग किया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर वगैरह रहते हैं आराम से। खैर फिलहाल अभी तो ये इधर सेट बैठे हुए हैं, पूरे इंजॉय कर रहे हैं, साथ खाना पीना के इंतजार कर। मैं अभी इनको खाना पीना भी दूंगा, सब चीज़ दूंगा। तो दोस्तों मैंने दो कबूतर लाया हुआ है, उसकी जोड़ मैंने लगाई है। अभी काफ़ी दिनों से जोड़ ट्राई कर रहा था, अब लग नहीं पा रही थी, शायद आई थिंक अब लग गई है। तो मैं उसका आपको दिखा रहा हूँ कि वो कबूतर कौन से हैं जिसकी मैंने जोड़ लगाई है। तो चलिए मैं उसको आप दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये फीमेल है आगे वाली और उसके पीछे जो एक मेल है, आप देख सकते हैं इसके पीछे एक मेल है, ये इसका मेल है और ये फीमेल है। काफ़ी लोग अग्रेसिव हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, लेकिन इन लोगों का जोड़ लग गया है फिलहाल। और ये काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पेयर है, काफ़ी जल्दी अंडे बच्चे करेंगे, आई होप जल्दी करें। तो मैं इसके अंडे बच्चे होंगे तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा पहला जोड़ है जिसका मैंने जोड़ लगाया। तो दोस्तों मैं आपको दूसरा पेयर दिखाने वाला हूँ, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। आप इसको देखिए, एक रेड में है एक ब्लैक में है। तो आप इसे देखिए, आपको इसे भी देख के काफ़ी मज़ा आएगा। और काफ़ी अच्छे कबूतर हैं ये भी, काफ़ी अच्छे बिट के हैं। आप देखिए इसे, देख सकते हैं ये रेड कलर का है, हल्का हल्के रेड में है, ब्राउन ब्राउन या रेड में है, मिक्सिंग है। और ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का, इसका ये मेल है ये फीमेल है आई थिंक। और ये दोनों अभी पट्टे हैं, ज़्यादा दिन के तो नहीं हैं, ये दोनों पट्टे हैं। ये मेरा सेकंड पेयर है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा ब्रीड है। ये मैंने सेकंड पेयर लिया हुआ है, काफ़ी चीप प्राइस में मुझे मिल गया है, काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों मैं आपको तीसरा पेयर दिखाता हूँ अपना, काफ़ी अच्छा है, दो बाज में है, दोनों सेम ही हैं लगभग। अब देखिए इनका शौक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना तीसरा पेयर। दोस्तों आप ये तीसरा पेयर देख सकते हैं, दो बाज में है, काफ़ी खूबसूरत है, आपको दिख रहा होगा। एक मेल है एक फीमेल है, इधर वाली फीमेल है ये वाली, आई थिंक ये वाली फीमेल है और इधर वाला ये मेल है। ये दोनों का जोड़ लग चुका है, काफ़ी अच्छे हैं दोनों, आप देख सकते हैं पैर में भी इनके फेदर वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ और चलिए जल्दी से मैं इसे पानी वगैरह दे देता हूँ। तो चलिए जल्दी से पानी दिया जाए इनको, देख सकते हैं मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ और कबूतरों को बाहर निकालूंगा ताकि ये पानी अच्छी तरीके से पी सकें। जल्दी जल्दी इन्हें पानी देता हूँ, दाना पानी देता हूँ और इनका शौक कराता हूँ सबका। और देख के बताइएगा आपको कैसा लगा कबूतर। तो दोस्तों सारे कबूतर अब बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे कबूतर बाहर आ रहे हैं। जो नए तीन पेयर लाए हैं वो भी शायद बाहर आ गए हैं, कुछ दो अंदर हैं और सब बाहर लगभग आ ही गए हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें जल्दी जल्दी दाना पानी वगैरह दे देता हूँ। पानी तो दे दिया हूँ मैं, आई थिंक देखिए आप पानी पी भी रहा कबूतर, काफ़ी देर से प्यासा था, देखिए सब पानी पी रहे हैं। तो चलिए इन्हें अब जल्दी जल्दी से गेहूँ दाना दे देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे गेहूँ की बोरी है, गेहूँ काफ़ी महंगा चल रहा है, मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश करा, आप देख सकते हैं कितना क्लीन है अंदर से, काफ़ी क्लीन है। और इसे मैं वॉश वगैरह कराया हूँ और इस इन लोगों को दाना दे देता हूँ। देखिए सब आ रहे हैं कबूतर, काफ़ी देर से ये भूखे थे, आई थिंक काफ़ी भूखे थे, और मैं इन्हें दाना वगैरह दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप आराम से ये दाना का लुफ्त ले रहे हैं। अब देखिए आराम से खा रहे हैं सारे कबूतर, आई थिंक बाहर आ गए हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं। और मैं इन्हें पूरे तरीके से गेहूं वगैरह दे देता हूं ताकि ये आराम से खाएं, ये खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, काफ़ी गर्मी है इस वजह से मैं उतना ज़्यादा वॉइस मेरा क्लियर नहीं आया होगा क्योंकि मैं मेडिसिन लिया हूँ, अभी कुछ अच्छा महसूस कर रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो बना लूँ अपने लॉफ्ट के बारे में और जो तीन पेयर नया लाया हूँ उसके बारे में मैं उनको दिखा दूँ आपको कि मैंने तीन पेयर नया लाया है, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।